বিটিআর চুক্তির প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর বিটিআরর শহীদ পরিয়ালক অনুদান বিটিআর চুক্তির রূপকার আখ্যা প্রমোদ বড়ুক উদালগুড়িত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস মাটি কিনা বেচার অনুমতি বিটিআরত परंतु मित्रों जहां बोडो और नॉन बोडो दोनों उपस्थित हो ये पहली रैली है और इसलिए भी ये रैली का महत्व है। यहां बोडो भी है नॉन बोडो भी है और जिन्होंने जहर पिलाया था बोडो नॉन बोडो को ये सबको ये संदेश है कि बोडो भी यहां के है नॉन बोडो भी यहां के है सब असम के पुत्र है सब भारत माँ की संतान है सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे असम को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। पूरे असम के अंदर इस प्रकार का जहर फैलाकर जिन्होंने शांति का भंग किया था उनको आज ये रैली इसका एक जवाब है। मित्रों एक ऐतिहासिक बोडो समझौता 27 जनवरी 2020 के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मुझे उसमें उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला था और उस वक्त जो बातें हुई थी लिखित में और मौखिक मैं आज आप सबके सामने इसका कमिटमेंट दोहराने आया हूं कि भारत सरकार वो सारे वादों को पूरा करकर आपके विश्वास को पूरा करेगी। मित्रों असम सरकार ने भी हमारे मुख्यमंत्री सर्वानंद जी और भाई हेमंत विश्व शर्मा ने भी इस समझौते के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम करा और मैं आज भी सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो वादे किए गए हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी के पूर्वोत्तर के विकास के विजन के लिए एक इसका एक हिस्सा है और इसको पूरा करना हम सबका लक्ष्य है। मित्रों प्रधानमंत्री जी ने न केवल असम पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर जो इंसर्जेंसी हुई उसको एक के बाद एक समाप्त करने की शुरुआत की है और इसका शुभारंभ ये बोडो शांति समझौते से हुआ है। इसके बाद ब्रू और रियांग के सेटलमेंट का प्रयास किया गया। 8 अलग अलग हथियारी ग्रुपों ने हमारे मुख्यमंत्री के सामने 700 लोगों ने हथियार डालकर शांति का रास्ता प्रशस्त किया और ये सारी प्रक्रिया विकास के रास्ते में हमें ले जाने वाली है क्योंकि मोदी जी ने जो न्यू इंडिया की कल्पना की है आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है वो कल्पना न्यू बोडोलैंड और आत्मनिर्भर बोडो क्षेत्र के अलावे समाप्त नहीं हो सकती इसलिए हमें इसके सामने जाना है। मित्रों आज हिंसा का युग समाप्त हो रहा है और शांति का युग शुरू हो रहा है। मैंने जैसे कहा ब्रू रियांग समझौता 8 उग्रवादी ग्रुपों ने 700 लोगों ने करीब करीब हथियार डाले और जम्मू कश्मीर के अंदर भी धारा 370 और 35 ए को उखाड़कर हमेशा के लिए आतंकवाद को निर्मूल करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। कहते थे वहां ये हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त रंजित हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मित्रों मैं आज आपको बताने आया कि अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए पुलिस को पूरे जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलाई नहीं पड़ी और शांतिपूर्वक ये हुआ। यहां पर भी चुनाव हुआ 80% से ज्यादा वोटिंग हुआ जिसने जिसको वोट देना था उसको वोट दिया मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई एक भी बूथ पर पुलिस को गोली नहीं चलानी पड़ी। मैं मानता हूं ये हम सबका संयुक्त विजय है शांति का विजय है मित्रों और ये भारत की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम है। मित्रों चुनाव को जिस प्रकार से हमने संपन्न कराया है मैं आज आपको विश्वास दिलाने चाहता हूं ये यूपीपीएल और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है प्रमोद जी एनडीए में आए हैं ये पूरे क्षेत्र के लिए
शुभ साबित होने वाला है, आपका विकास का रास्ता आगे बढ़ाने वाला है। मित्रों, एनडीए में यूपीपीएल का आना और यहां यूपीपीएल बीजेपी की साझा सरकार बनना, वो बताती है कि आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसाम के अंदर बनने वाली है। ये इसका ट्रेलर है, ट्रेलर। और जो कांग्रेस पार्टी अपने कालखंड के अंदर शांति नहीं ला सकी, विकास नहीं ला सकी, वो आज हमें सलाह दे रहे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, इतने सालों तक असम रक्त रंजित रहा, ये मेरा बोडो क्षेत्र रक्त रंजित रहा, क्या किया आपने? जो भी किया नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहुत हो गए लड़ाई झगड़ा, अब विकास के रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है। और मित्रों, मैं आज आप सबको अपील करने आया हूं कि जैसे सेमीफाइनल जीता है, फाइनल मैच भी उसी तरह से जीतना है। जरा मुझे बताओ, जीतना है ना? सब लोग सहमत है ना? मित्रों, ये रास्ता जो शांति का प्रशस्त हुआ है, वे पूरे क्षेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला रास्ता है। और मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने भी कई समझौते किए, मगर समझौते कभी समाप्त नहीं होते थे, उनकी अनुपालना नहीं होती थी। वादे तो बहुत करते थे, वादे पूरे नहीं होते थे, मगर मैं आपको बताता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो वादे प्रधानमंत्री करते हैं उसी को अपने ही कालखंड के अंदर समाप्त करते हैं। ये बोडो शांति समझौता कर प्रमोद जी मेरी ऑफिस में आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि सारी चीजों का अनुपालना होना चाहिए। और मित्रों, मैंने उनको वादा किया था कि हम चुनाव के पहले पहले ये सारी चीजों को समाप्त कर आपके लिए और बोडो क्षेत्र के लिए शांति का काम करेंगे। मित्रों, आज मुझे कहते हुए हर्ष रो रहा है, जब एक साल समाप्त हो रहा है, बीटीएडी के आसपास के लिए जो बोडो संगठन की मांग थी कि जनजातीय बाहुल्य आबादी वाले गांवों को बोडो क्षेत्र के अंदर समाप्त शामिल किया जाए और 60 सीटों तक ले जाने के लिए, यहां से लो ऐसा करना, 60 सीटें बनाने के लिए भी विचार की जाए और इसके लिए एक आयोग का गठन, काम करने का काम हमने समाप्त कर दिया है। ये आयोग अब आसपास के गांवों का सर्वे कर निर्णय करेगी। बीटीएडी को बीटीआर के रूप में नामकरण करने का मांग था, उसको भी कर दिया गया है और ये पूरा क्षेत्र अब बीटीआर के नाम से जाना जाएगा। बीटीआर के बाहर रहने वाले बोडो गांवों के विकास के लिए बोडो कचारी वेलफेयर काउंसिल का भी स्थापना कर दिया गया है, जो छुटपुट छुटपुट बोडो भाई रहते हैं उनके विकास के लिए भी असम सरकार चिंता करेगी। और बीटीसी और बोडो काउंसिल वेलफेयर काउंसिल के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक सलाहकार समिति बनाने का भी काम कर दिया है। नए पदों का सृजन और खाली पद है इसकी भर्ती के लिए असम के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें गृह विभाग के भी प्रतिनिधि होंगे। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी शरणार्थियों को 4 लाख रुपए की जो सहाय देनी थी, आज आपके सामने भी उसका चेक देने की शुरुआत भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। बोडो भाषा को सम्मान देने का हमने वादा किया था।